सबसे बड़ी आयरनी तो है कि यहाँ पर मैं आईफोन 15 प्लस को यूज कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ एंड्रॉइड 14 के बारे में। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं है यार, एंड्रॉइड जो है वो अभी भी मेरा यार यहाँ पे पहला प्यार है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड 14 की, तो गूगल ने पिक्सल 8 सीरीज के साथ इसे लॉन्च कर दिया। मतलब आमतौर पर क्या रहता था कि पहले गूगल अपना एंड्रॉइड निकाल देती थी, फिर पिक्सल फोन आते थे। लेकिन अब एप्पल जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे कि पहले वो अपना डिवाइस निकालेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नया लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन। खैर एंड्रॉइड 14 को यहाँ पे डाला मैंने, चेकआउट किया और एक दो बातें पता चली। पहली चीज कि हाँ पहले से थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को भी डाला गया जो कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस को बेटर करेंगे। लेकिन अगली चीज ये भी पता चली कि इतने बड़े चेंजेस नहीं है कि आपको एंड्रॉइड 14 का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। चेंजेस हैं लेकिन उतने बड़े चेंजेस नहीं। जैसे की बात करें तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि जो स्पेसिफिक रहेंगे किसी ना किसी फोन्स के लिए। जैसे की बात करें यहाँ पे आपको अल्ट्रा HDR में फोटोग्राफी का एक मोड देखने को मिलेगा। इसके लिए आपके पास स्पेसिफिक डिवाइस होना चाहिए और अभी के लिए ये फीचर सिर्फ और सिर्फ पिक्सल फोन्स में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही बात करें तो यहाँ पे थीमिंग के अंदर मोनोक्रोमेटिक थीम्स आ गई, यानी कि जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम्स होती है ना वो, यानी कि आइकन पैक भी यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे नथिंग फोन 2 के साथ देखा था। और जितने भी UI एलिमेंट थीमिंग होगी ना, ये सब भी आपको ब्लैक एंड व्हाइट देखने को मिलेगी, जैसे कैलकुलेटर वगैरह की ऐप हो गई। इसके साथ ही लॉक स्क्रीन के अंदर कस्टमाइजेशन की गई है और एक इंटरेस्टिंग AI वाले फीचर को डाला गया जिसके अंदर आप जनरेटिव AI का यूज करके वॉलपेपर्स को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि बस आपको टेक्स्ट लिखना है और बदले में फोन के लिए वॉलपेपर यहाँ पे AI के थ्रू जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक यूजफुल फीचर के बारे में बात करें ना, Android 14 के अंदर अब आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा को एज वेबकैम यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा और एक यूजफुल फीचर लगा मेरे को। इसके साथ ही प्राइवेसी के अंदर जो डेटा शेयरिंग की एप्स होती है, जो आपकी लोकेशन को एक्सेस करती, वो आपका डेटा किस तरीके से शेयर कर रही ये आपको पता चल सकता है। और इसके साथ ही आपको हेल्थ कनेक्ट का नाम का एक फीचर दिया गया जहां पे जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ एक ही जगह अपनी सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही इम्प्रूव्ड मैग्निफिकेशन है यहाँ पे और जो फॉन्ट साइजेस है वो भी आप चेंज कर पाएंगे और नॉन लीनियर फॉन्ट साइजेस भी आप इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक और यूजफुल फीचर मेरे को लगा, यहाँ पे आपको फ्लैश बेस्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, यानी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आजकल मोबाइल फोन में LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं है ना, उसकी जगह जो मोबाइल फोन का फ्लैश होता है ना वो यहाँ पे ऑन ऑफ होके आपको इन्फॉर्म कर सकता है। तो हाँ ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को लेकर आएंगे। और ओवरऑल बात करें ये है कहानी एंड्रॉइड 14 की, जहाँ पे इन चीजों को इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया गया। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर चीजें जो गूगल ने बताई है ना, बेसिकली एंड्रॉइड के अंदर अब यही काम हो रहा है कि एंड्रॉइड जो रहता है वो अपना जो प्ले 2 होता है वो रीच कर चुका है, यानी कि जो पीक था वो आ चुका है और अब एंड्रॉइड के अंदर काफी सारी चीजें करने की गुंजाइश बची नहीं है। इसलिए छोटे मोटी चीजें, छोटे मोटे फीचर्स को ऐड करके एक नए वर्जन को यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। इवन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अब एंड्रॉइड एक ऐसे लेवल पर हो गया कि जहाँ पे अब उसमें हर बार रिफाइनमेंट आ रहे हैं। एंड्रॉइड 12 के बाद एंड्रॉइड 13 में रिफाइनमेंट आया, एंड्रॉइड 14 में रिफाइनमेंट आया। अब देखना कि 15, 16, 17 जब आएंगे ना तो उनमें भी ऐसे माइनर रिफाइनमेंट से होंगे या फिर कोई बड़ा मेजर चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो एंड्रॉइड 14 का पार्ट है लेकिन अभी गूगल ने रिलीज नहीं किया, वो है बैटरी हेल्थ फीचर। बैटरी हेल्थ अभी भी एक्सेस कर सकते हैं ये लोग, बीटा वगैरह में एक्सटर्नल एप्स वगैरह डालनी पड़ेंगी। लेकिन अगर बैटरी हेल्थ का फीचर अगर एंड्रॉइड में आ जाए ना, एक काफी सही चीज होगी। कम से कम आपको पता तो रहे कि मोबाइल फोन की बैटरी कैसी है और उसको बाद में आप आगे चल के रिप्लेस करवा सकते हैं। यार ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। लेकिन वही ओवरऑल बात करें तो एंड्रॉइड 14 के अंदर ओवरऑल देखा तो टोटली हमें लग रहा था थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन बोरिंग ना होते हुए इसको थोड़ा सा रिफाइंड रखा और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डाली तो यहाँ पे लोगों के लिए थोड़ी यूजफुल हो। लेकिन इसके साथ ही एक और बात बता सकता हूँ कि जब गूगल ने अपने एंड्रॉइड 14 को पिक्सल 8 के साथ निकाला ना, तो पिक्सल 8 के साथ एक बहुत सही चीज उन्होंने अनाउंस करी और वो था 7 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट का सपोर्ट। और 7 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट का सपोर्ट एक सबसे सही चीज है, क्योंकि आमतौर पर एंड्रॉइड फोन जिस चीज में पीछे रह गए ना वो है एंड्रॉइड अपडेट। और अगर गूगल पिक्सल इस चीज से लीड कर रहेगा तो डेफिनेटली दूसरी कंपनीज को भी सीखना पड़ेगा यहाँ से और अपने अपडेट शेड्यूल को बेटर करना पड़ेगा। इससे पहले अपडेट के मामले में सैमसंग आगे निकला था, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद अब सैमसंग वाले भी कुछ सोचे और एंड्रॉइड अपडेट में पिक्सल लेवल का अगर एंड्रॉइड अपडेट्स अगर प्रोवाइड करने लगे 7 साल तक के टोटल, तो ये बहुत सही चीज होगी। हालांकि सवाल ये आता है लोगों का कि 7 साल तक क्या एंड्रॉइड अपडेट का सपोर्ट कोई मोबाइल फोन झेल पाएगा। बाद में वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब यहाँ पे आप कर सकते हो। पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि मोबाइल फोन के अंदर जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट होती है एंड्रॉइड की,
वो उतनी ज्यादा नहीं होती, वो काफी कम है। और आज भी देखा है तो काफी पुराने फोन्स के अंदर कस्टम रोम का यूज करके अभी भी लेटेस्ट एंड्रॉइड को चला सकते हैं। यानी कि अब एंड्रॉइड उस लेवल पे पहुंच गया जब उसे उतनी ज्यादा रिसोर्सेज या उतनी ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मोबाइल फोन के प्रोसेसर रैम काफी ज्यादा चीजें ऑलरेडी इतनी फास्ट हो चुकी है कि आने वाले समय तक अगर उसे सपोर्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। बस कंपनीज के लिए बिजनेस डिसीजन होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि पहले मोबाइल फोन लोग जल्दी जल्दी अपग्रेड करते थे, इसलिए लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं देते थे। लेकिन जब से लोग मोबाइल फोन को लंबे समय तक रखने लगे ना, धीरे धीरे सॉफ्टवेयर सपोर्ट को भी इंक्रीज कर दिया गया। और गूगल के लिए पिक्सल के लिए भी टोटली बिजनेस डिसीजन है। आज के समय में चाहे तो गूगल अपने पुराने पिक्सल 1 को भी एंड्रॉइड 14 का अगर अपडेट देना चाहे तो वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी गूगल ने डिसाइड किया कि पिक्सल एक्सक्लूसिव फीचर होगा ताकि हम अपने मोबाइल फोन्स को थोड़ा ज्यादा बेचें। खैर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से करना चाहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि गूगल पिक्सल के 7 साल तक जिंदा रहेगा? क्या पिक्सल लाइनअप को गूगल यहाँ पे खत्म नहीं करेगी? ये एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट गूगल यहाँ पे शुरू करता और उसे बाद में खत्म कर देता है। पहले नेक्सस किया, नेक्सस को खत्म करके पिक्सल लेके आए। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। हालांकि एंड्रॉइड गूगल का वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट है, तो गूगल एंड्रॉइड को तो बंद नहीं करेगा, लेकिन पिक्सल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे। खैर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉइड 14 को लेके फाइनल ओपिनियंस क्या है मेरे? देखो एंड्रॉइड 14 को मैंने चेक किया, मेरे पास भी पिक्सल था, कुछ चीजें रिफाइन थी, कुछ चीजों में इंप्रूवमेंट आया, लेकिन अभी भी देखा तो कोई मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। बस एक बात यहाँ पर लगती है कि गूगल वाले जितनी भी एंड्रॉइड के अंदर चीजें निकालते हैं ना, कंपनियां अपने हिसाब से इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करती, और ये बात मैंने पास में बहुत देखी है। क्योंकि कई बार कंट्रोल जो रहता है कंपनी के हाथ में सारा रहता है कि उनसे क्या चीजें देनी है क्या चीजें नहीं देनी। और कई बार गूगल भी ऐसे रहती है कि दिखाते वो बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें से काफी सारे फीचर होते हैं गूगल के पिक्सल फोन के एक्सक्लूसिव। पिक्सल के अंदर जो हार्डवेयर लगा हुआ है उसी के कारण वो फीचर वहां पे सपोर्ट कर पाएगा, दूसरी कंपनीज के पास एक्सेस नहीं। तो कंपनी अपने हिसाब से काम करके अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करती है और अपने हिसाब से कई बार नए फीचर्स को डेवलप कर दिए, और इस बार भी यही होगा। एंड्रॉइड 14 गूगल ने रिलीज कर दिया, लेकिन फिर भी जब सैमसंग अपना नया वन यूआई निकालेगा, फन टच ओएस आएगा, ऑक्सीजन ओएस आएगा, कलर ओएस आएगा, नया मी यूआई आएगा, तो उसके अंदर वो कंपनियां इन फीचर्स को अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करेंगी और कुछ अपने एडिशनल चेंजेस को यहाँ पे लाने की कोशिश करेगी। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन फिर भी अब मेरे को लगता है कि अब काफी हाई टाइम आ गया कि जब कंपनीज को सॉफ्टवेयर के अंदर अब फीचर से ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कि फीचर रिच एक्सपीरियंस से बेटर है कि स्टेबल एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड कैसे किया जाए, जिससे मदरबोर्ड डेड, कैमरा डेड या फिर ग्रीन लाइन के जो इश्यूज है वो लोगों को देखने को ना मिले, और एक डिवाइस को लंबे समय तक लोग किस तरीके से यूज करें अगर इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें तो शायद कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छा होगा, लेकिन शायद कंपनीज के लिए शायद ये बात इतनी अच्छी नहीं होगी। इंटरेस्टिंग टाइम है काफी ज्यादा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर कैसा रहेगा एंड्रॉइड का, कि एंड्रॉइड के अंदर कोई बड़े मेजर चेंजेस नहीं होंगे या फिर जैसी चीजें चल रही है वैसी की वैसी चीजें चलती रहेंगी और उसके अंदर सिर्फ रिफाइनमेंट आएंगे। देखने वाली बात है क्या होता है आने वाले फ्यूचर में। बाय द वे अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं इस टाइप के, सब्सक्राइब किए, एक बार कहीं मत जाना यहाँ पे। थैंक यू, वीडियो देखने में आप सुनते हो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।